हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। तो आज मैं आप लोगों के साथ अगेन एक बहुत ही यूजफुल ब्लाउज हैक शेयर करने वाली हूँ। इसके पहले मैंने शेयर किया था कि अगर आपके बैक पे बहुत ज़्यादा फैट है तो किस तरह से आपको अपने ब्लाउजेस को कस्टमाइज करवाने चाहिए। आई डोंट नो इतनी मेहनत के बाद भी कितना भी अच्छा कॉन्टेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को, आप लोग 400-500 इसके ऊपर व्यूज ही नहीं देते हो यार, थोड़ा सपोर्ट करो। बट मैं भी हार नहीं मानने वाली हूँ, आप लोगों का दिल और विश्वास जीत के ही दम लूंगी। चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली मैं एक वेडिंग में गई थी तो ये ब्लाउज मैंने स्टाइल करा था एंड इसके ऊपर एक वीडियो भी मैंने बनाई है कि अगर आप महंगे कपड़े एंड पार्लर में जाके मेकअप नहीं करवा सकते हो तो आप कुछ हैक्स को यूज करके घर पे ही पार्लर रेडी हो सकते हो। ये वीडियो चेक कर सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो। ब्लाउज मैंने बनवाया, देखो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी ना वो आपको ना करना पड़े। मतलब सीक्वेंस के ब्लाउज को लेके उससे ही रिलेटेड, इस ब्लाउज से ही रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत मेरे दिमाग में नहीं गई थी, बट मैंने एक बेसिक थॉट के साथ में इस ब्लाउज को बनाया था। इसके बाद भी एक ब्लाउज से ही रिलेटेड वीडियो आएगी, बहुत अच्छी कनेक्टेड रहना। सो इसका गला मैंने बहुत छोटा बनवाया, आप ये देखो गला बहुत ही छोटा है, प्रिंसेस कट एकदम बिल्कुल नॉर्मल ब्लाउज है, कोई तामझाम नहीं है। बट इसमें बैक में हुक नहीं है, फ्रंट में हुक नहीं है, हुक है मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हुक नहीं, मैंने जिप लगवाया है, ये देखो ये आप देख रहे हो, जिप को कस्टमाइज़ किया। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब मैं इसको अपने फेस से पास ऑन कर रही हूँ तो गला एक छोटा होने की वजह से मुझे इसको पास ऑन करने में हेड से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी एंड मेरे आँख के पास में बिल्कुल उस दिन छिल गया था। आई डोंट नो अभी कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं, बहुत मोटा सा एकदम फूल गया था। तो अगर आप इस तरह का कोई तामझाम वाला ब्लाउज सिलवाते हो, लाइक बिल्कुल सीक्वेंस वाला ब्लाउज है, चुभने वाला कपड़ा, देखो एम्ब्रॉयडरी वाले जो कपड़े होते हैं वो चुभते नहीं है, बट इस तरह के जो सीक्वेंस वाले वर्क होते हैं बहुत हार्श होते हैं, स्किन पे चुभते हैं। तो सबसे पहला हैक मैं इस ब्लाउज को लेके यही दूंगी कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस का ब्लाउज है एंड आप भी इस तरह का छोटा गला बनवाते हो, चेहरा आपका छिल जाता है हेड से पास ऑन करने में, तो मैंने एक जुगाड़ लगाया, मैंने एक सिल्क का कपड़ा लिया क्योंकि सिल्क जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है, सिल्क या सैटिन। एंड दूसरा बेनिफिट ये होता है कि सिल्क का जो कपड़ा होता है स्लिपरी होता है, तो कुछ भी अगर आप उससे पास ऑन करते हो अपने हेड में लगा के तो एक आपका फेस नहीं छिलेगा एंड दूसरा बहुत इजीली स्मूथली मक्खन की तरह पास ऑन। दूसरा हैक इस ब्लाउज को लेके मैं आपको दूंगी कि आप देख रहे हो आंटी ने ये ब्लाउज सिला तो बहुत अच्छा है लेकिन इसमें एक मिस्टेक उन्होंने करी है, मैं ब्लाउज उनके पास लेके जाऊंगी, मैंने कॉल करा था। आप ये देखो, अगर आप ये देखोगे ना जो कमर पट्टी लगी हुई है आप ये देखो एंड नीचे में ये आप देख रहे हो सीक्वेंस की एक लाइन छोड़ के आंटी ने कमर पट्टी लगाई है। आप ये देखो अगर ये लाइन कवर करके उन्होंने लगाई होती ये, तो जो यहाँ पे चुभने के जो चांस, मतलब जो चुभ रहा था ना वो बिल्कुल नहीं चुभता। शादी में बिल्कुल मैं परेशान हो गई पहन के, होल टाइम मैं अपने ब्लाउज को इस तरह से फोल्ड कर रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने पहना था, टेलर के पास से लेके आई, पहन के मैं पार्टी में चली गई, बट मुझे इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा था, मैं सच में लग रहा था इस ब्लाउज को कब खोल के फेंक दूँ। तो आप ये गलती मत करना, जब भी आप इस तरह का कोई सीक्वेंस का ब्लाउज बनवाते हो अपने लिए तो आप टेलर को मेक श्योर करना कि ये जो कमर पट्टी है ना ये बिल्कुल वो कवर करके लगाए। ये देखो मतलब ये थोड़ा सा भी दिखना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से कवर रहेगा तो आपकी बिल्कुल चुभेगा ही नहीं। या फिर एक्स्ट्रा कमर पट्टी जो है वो दो कपड़े की भी लगा सकते हैं, दो लंबी लंबी पट्टियाँ काट के देन लगाएं तो वो एक्स्ट्रा आपको सिक्योरिटी मिलेगी। बट इन केस अगर आपका टेलर जो है रेडी नहीं होता उसको ठीक करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे एक हैक को यूज़ करा है, मैंने लिया है सर्जिकल या मास्किंग टेप। आप सर्जिकल टेप लेना ज़्यादा सिक्योर रहेगा, बट मेरे पास मास्किंग टेप था तो होल में मैंने मास्किंग टेप को लगा दिया। मास्किंग टेप लगाने के बाद में जब आप पहनोगे तो जो चुभन है, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि 100% सॉल्व हो जाएगी, बट हाँ काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। मतलब उतना नहीं चुभेगा कि आप अपनी पार्टी को या फिर जो स्पेशल डे है वो आप इंजॉय नहीं कर सकते हो। एंड हमेशा मेन टाइम पे कपड़ों को स्विच करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हमने बहुत सारी प्लानिंग की होती है कि हम यही कपड़ा पहनेंगे। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सस्ते में इस तरह से वेडिंग लुक क्रिएट कर सकते हैं, इस ब्लाउज को ही यूज करके मैं एक वेडिंग लुक क्रिएट करूंगी, इसलिए ये वीडियो जरूर चेक करना, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। दूसरा हैक मैंने आपको ये, तीसरा मैं आपको टिप यही दूंगी कि अगर आप इस तरह का ब्लाउज बनवाते हो तो आप साइड जिप मत करवाना, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि प्रॉब्लम होती है, अगर आप साइड जिप करवाते हो तो गला बहुत छोटा मत करवाना। लेकिन अगर आप करवाते भी हो तो जो पहले मैंने आपको टिप दिया उसको आप ट्राई कर सकते हो। देखो आंटी ने और एक गलती करी है, आप ये जो जिप देख रहे हो ना
तो ये आप ये देखिए यहाँ पे जो उन्होंने पट्टी छोड़ी है, ये पट्टी इस तरह से नहीं रहती है क्योंकि मुझे भी थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है, तो जिसकी वजह से ये जब मैं जिप को लगा रही हूँ तो ये फैब्रिक जो है मेरे स्किन पे लग रहा है, मतलब ये चुभ रहा है क्योंकि इस पे किसी भी तरह की लाइनिंग नहीं है। आप ये देखो ये कपड़ा ही, और कपड़ा पहनने के बाद में स्किन पे इस तरह से जा रहा है। तो आप मेक श्योर करना कि जब भी आप इस तरह के ब्लाउजेज में जिप को लगवाते हो तो आप ये, मैं आपको बोल रही हूँ ऐसे, ये जो जिप लगती है ना, मैंने भी अपने एक दो ब्लाउजेस में रिसेंटली लगाया है, बहुत फिनिशिंग के साथ नहीं लगाया है बट मुझे उसका फंडा समझ में आया है, लेकिन वो बिल्कुल खराब भी नहीं लग रहा है। तो आप टेलर को बोलना कि ये सीक्वेन का जो कपड़ा है इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइनिंग का कपड़ा दे के और इस तरीके से वो फोल्ड कर दे, मतलब अंदर की तरफ। तो देखो ये देखने में भी बहुत फाइन आएगा, जैसे सूट का चाक बनता है ना उस तरीके से फोल्ड कर देंगे एंड ऊपर से एक कपड़ा दे देंगे तो आपकी स्किन पे वो बिल्कुल नहीं चुभेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मुझे फेस करने पड़े इस ब्लाउज को लेके, मैं नहीं चाहती कि आपको फेस करना पड़े, आपका चेहरा छिल जाए या फिर आपको चुभन हो, आप इतना एक्सपेंसिव एक ब्लाउज बनवाते हो एंड उसके बाद उसको पहन भी ना पाओ। तो आई होप ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैंने इस ब्लाउज से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको लगता है कि ये किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने दो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। मैं सच में हमेशा कुछ नया आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, घिसा पिटा नहीं शेयर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा है यार, आप लोगों को वो घिसे पिटे ही चीज़ अच्छे लगते हैं, जो मैं फ्रेश कॉन्टेंट ला रही हूँ आप देखते ही नहीं हो। कि प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करिए एंड यस, कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।